ओके क्लास एट, टुडे वी स्टार्ट मेंटल मैथ एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर 12 पेज 68। ओके द फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कैसे लिखा हुआ, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया गया है, तो लोग इसको फिल करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सब पार्ट बी, -4 to the power 5 मल्टीप्लाई -4 to the power 3 इक्वल्स टू दिया हुआ है -4 to the power, और यहाँ एक बॉक्स दे दिया गया है। तो हम लोग को पता है मल्टीप्लाई के दौरान क्या होता है, जब दो बेस सेम होते तो एक्सपोनेंट को यानी पावर्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, दैट मीन्स 5 + 3 = 8। ओनली ये फिलअप करना था। ओके एक और कर लेते हैं, डिवाइड के फॉर्म में जो है जे में दिया हुआ है 11/14 to the power 12 डिवाइड बाई 11 to the power 14/7 इक्वल्स टू 11 upon 14 यहाँ पावर पूछा गया है। तो हम लोग को पता है डिवाइड के दौरान पावर क्या होता है, माइनस होता है, दैट मीन्स 12 - 7 यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं 2 नंबर पे, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे मेंशन करके इक्वल्स टू दिया गया है, दैट मीन्स इस तरह से क्वेश्चन दिया गया 2 का क्यूब और 6 का क्यूब, एक इक्वल्स टू देकर एक साइन दिया गया और एक इक्वल्स टू दिया गया से। तो हम लोग इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 2 × 6 का क्यूब, क्योंकि 2 के लिए भी क्यूब है और 6 के लिए क्यूब है, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 के लिए क्यूब। इसके बाद ब्लैंक नहीं दिया गया है तो आप इतना पे ही छोड़ सकते हैं, अगर और एक ब्लैंक होता तो आप 12 का क्यूब यानी 12 × 12 × 12 करके आंसर लिखते। तो हम लोग ब्लैंक इतना तक ही दिया हुआ है। क्लियर। इसका और एक पार्ट देखते हैं, ये ए था, हम इसका सी नंबर देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3 upon 2 the power 4 × 4 upon 3 to the power 4, तो यहाँ पे एक ब्लैंक दे दिया हुआ है, फिर एक ब्लैंक दिया हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/2 × 4/3 का पावर 4, क्योंकि दोनों क्या शेयर कर रहे हैं, सेम पावर शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 कट जाएगा और यहाँ से 2 कट जाएगा, तो दैट मीन्स क्या बचेगा, सिर्फ 2 का पावर यहाँ पे 4 बच जाएगा। क्लियर। ओके अब आते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ से आप देख सकते हैं ऐसे लिखा हुआ है 5² और इसके ऊपर क्यूब दिया हुआ है, और यहाँ 5 देख के आपको डैश दे दिया गया। तो हम लोग को पता है ये पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, जो ऐसे दिया रहता है। हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला में पढ़े थे x^m दिया हुआ, n दिया होता है, क्या हो जाता है x^m (n) होता है, तो यहाँ इंटू हो जाएगा, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 लिखेंगे। ओके उसके बाद फिर आप देख सकते हैं सी नंबर में इसका दिया हुआ है 2/3 to the power, अच्छा 5 दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट देके फिर 2 दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिया गया है, तो 5 × 2 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसका पावर हो गया डायरेक्टली हम लोग 10 पुट कर देंगे। ओके तो पेज नंबर 68 पे मोस्टली यही सब क्वेश्चन दिया हुआ था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब लोग पेज नंबर 69 की तरफ चलते हैं, तो ये हो गया पेज नंबर 69। ओके पेज नंबर 69 में आपको इवेल्युएट करने के लिए कहा गया, हम लोग इवेल्युएट करते हैं। ओके इवेल्युएट में कैसे कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 का ए में दिया हुआ है 7 to the power 0, 5 to the power 0, यानी किसी के ऊपर भी 0 हो जाता है, दैट मीन्स उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1, और इसके ऊपर भी हो गया 1, दैट मीन्स टोटल आंसर हो गया आपका 2। ओके फिर क्वेश्चन नंबर सी की तरफ देख लीजिए, लिखा हुआ है 2/3 to the power 8 डिवाइडेड 2 to the power 8, तो इक्वल्स टू आपसे पूछा गया। तो हम लोग को पता है डिवाइड के दौरान जब सेम बेस रहता है और एक्सपोनेंट रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 8 - 8 = 0 हो जाएगा, यानी 2/3 के ऊपर पावर क्या हो गया, 0, तो किसी के ऊपर 0 में से आंसर क्या आ जाता है, 1 हो जाता है। ओके इसका और एक क्वेश्चन बुक चेक करते हैं, ई नंबर 5 to the power 4 × 5 to the power -3 इक्वल्स टू दे दिया है, तो हम लोग इनटू है और ये दिया गया सेम बेस है, तो पावर को प्लस करेंगे, तो कैसे प्लस करेंगे, 5 to the power 4 + -3 दैट मीन्स 4 + -3 दैट मीन्स 5 power 1, सो आंसर इज 5, ऐसे करके लिख देंगे। ओके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू लिखने बोला है 2/3 to the power 2 × 1/2 to the power 2, इसका वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग इसको वैल्यू लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/3 × 1/2 / 2, क्योंकि ये इसके लिए भी स्क्वायर, इसके लिए भी स्क्वायर, सेम दिया हुआ था। ओके तो हम लोग ऐसे लिख लिए, तो 2 कैंसिल कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, 1/3, 1/3 का क्या, स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। ओके तो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। अगेन इसका हम लोग क्वेश्चन चेक करते हैं, हम लोग क्वेश्चन चेक करते हैं इसका बी नंबर, ये ए था, बी नंबर चेक करते हैं, बी में दिया हुआ -3/5 क्यूब इंटू
फाइव बाई सिक्स, अगेन आपको क्यूब दिया हुआ है तो हम लोग इसको फिर वैसे लिख सकते हैं, माइनस थ्री बाई फाइव इंटू फाइव बाई सिक्स पूरा क्यूब लिख दिए। तो ये देखिए फाइव फाइव कैंसिल हो सकता है, थ्री से टू कैंसिल हो सकता है, तो एक्चुअली बचा के ऊपर है माइनस वन बचा, नीचे में टू बचा क्यूब, तो माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन और टू का क्यूब होता है एट, तो हम लोग इसको एट लिख दें। ओके नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और हम लोग चेक करते हैं इसका एच नंबर, टू का ही एच नंबर हम लोग चेक करते हैं। टू का एच नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है फोर टू द पावर माइनस वन इंटू फाइव टू द पावर माइनस वन, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं फोर इंटू फाइव टू द पावर माइनस वन। ओके तो ये क्या इंटू हो जाएगा ट्वेंटी टू द पावर माइनस वन। हम लोग को पता है किसी का पावर माइनस वन को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेसिप्रोकल, तो आंसर इज वन बाई ट्वेंटी या फिर ट्वेंटी टू द पावर माइनस वन, वैसे भी आप छोड़ सकते हैं। ओके तो ये कंप्लीट हुआ आपका पेज नंबर 69। हम लोग चलते हैं पेज नंबर 70 की तरफ। ओके पेज नंबर 70 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द पावर नोटेशन, यानी इसको सिंप्लीफाई करके लेकिन जो आंसर आएगा उसको फिर आपको पावर नोटेशन पे ही छोड़ना होगा। तो नंबर ए क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है टू टू द पावर माइनस वन डिवाइड बाई फोर टू द पावर माइनस वन एंड होल ओवर स्क्वायर दिया हुआ। ओके सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग लिखते हैं वन बाई टू डिवाइडेड वन बाई फोर, क्योंकि रिसिपोल करते हैं माइनस का साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे जैसे स्क्वायर था वैसे कर दिया। ओके तो ये फिर हो जाएगा 1 बाई टू इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बाई वन हो जाएगा स्क्वायर, तो इससे कटा तो क्या होगा स्क्वायर 2 बचा, तो आंसर इज 2 का पावर स्क्वायर। तो आपको बोला पावर नोटेशन भी छोड़ने के लिए इसको हम लोग पूरा मतलब 2 का पावर स्क्वायर है तो 4 नहीं लिख रहे, यहीं पे छोड़ दे रहे। ओके फिर हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं डी। डी क्वेश्चन में कहा गया है 7 टू द पावर माइनस 1 इंटू 6 टू द पावर माइनस 1 इंटू 1 बाई 21 टू द पावर माइनस 1। ओके सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई सेवन इंटू 1 बाई सिक्स इंटू, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो 21 बाई 1 कर दिए तो ये क्या हो गया 1 बाई 42 इंटू 21, इसको कट कर दिए 2 हो गया, तो आंसर इज 1 बाई 2 का पावर 1 लिख सकते हैं या फिर 2 का पावर आप माइनस 1 लिख के ऐसे लिख सकते हैं। ओके अगेन इसका हम लोग के नंबर क्वेश्चन करते हैं। के नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3 अपॉन 5 टू द पावर माइनस 7 और इंटू देके दिया हुआ है 5 अपॉन 3 टू द पावर माइनस 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, हम इसको सेपरेटली ओपन कर रहे हैं, जिसका मतलब अगर अच्छा सेपरेटली कर रहे हैं तो ये हम लोग अगर रेसिपोल करें तो पावर प्लस हो जाए, दैट मीन्स 5 बाई 3, तो 5 का पावर भी 7 और 3 का पावर भी 7। ओके इसको भी रेसिपोल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 5 और 5 का पावर 5, तो ये दोनों टर्म किस में हो गया डिवाइड में हो गया, इसका मतलब ये 5 टू द पावर 7 है और यहाँ डिवाइड है 5 टू द पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड के दौरान क्या होता है पावर्स माइनस होते हैं, और यहाँ पे 3 पावर 7 है और यहाँ पे क्या है 5 माइनस, तो यहाँ चला आया तो आंसर क्या बचिएगा 5 का पावर स्क्वायर और यहाँ क्या बचिएगा 3 का पावर स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 अपॉन 3 टू द स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर आपको माइनस में लिखना है तो 3 बाई 5 उल्टा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर इसको रेसिपोल कर देंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप लिख सकते हो। क्लियर हम लोग इसका एल नंबर क्वेश्चन करते हैं। एल नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 स्क्वायर इंटू 1 बाई 5 माइनस क्यूब डिवाइड 1 बाई 5 माइनस 2, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 स्क्वायर जैसे वैसे लिखते हैं, इसको अगर रेसिप्रोकल हम लोग ठीक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 बाई 1 टू द पावर क्यूब डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा 5 बाई 1 टू द पावर स्क्वायर, क्योंकि माइनस हम लोग रेसिप्रोकल किए तो पावर प्लस हो गया, अब ये हो गया 5 स्क्वायर। अच्छा तो 5 क्यूब 5 स्क्वायर, हम लोग को पता है डिवाइड के दौरान पावर माइनस होता है, दैट मीन्स 3 माइनस 2। ओके तो ये 5 स्क्वायर इंटू 5 पावर 1, तो इंटू के दौरान दोनों पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 5 पावर। ओके तो इस तरह से पेज नंबर 70 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके नोट कीजिए।